मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम गुरुवार शाम से लागू हो गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दोनों शहरों में नई पुलिस व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोपाल इंदौर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी नियुक्त होंगे। इसके आदेश एक दो दिन में जारी किए जाएंगे। भोपाल में 38 और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट में करीब 40 मिनट तक बहस चली। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुराने आरक्षण पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर विभिन्न लोगों ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। इनमें स्टे की मांग की गई थी। सभी याचिकाओं पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार प्रदेश को 5 जीनोम सीक्वेंस मशीन देगी। ये मशीनें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में लगाई जाएगी। इससे समय पर रिपोर्ट मिलने से संक्रामक वेरिएंट के मरीजों को आइसोलेट करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बुधवार को केन बेतवा नदी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में 44,650 करोड़ रुपए खर्च आएगा। खास बात यह है कि इसका 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके तहत 176 किलोमीटर की लिंक केनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे दोनों नदियों को जोड़ा जा सके। प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश के सागर, विदिशा सहित 12 जिलों को पानी मिलेगा। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड का असर बढ़ा दिया है। राजधानी भोपाल में भी मौसम का मिजाज बदला है। गुरुवार सुबह से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। इससे लोग ठिठुरते रहे। शहर के कई जगहों पर अलाव भी जल गए। प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा।